मनुष्य बौद्धिक सुख पाने की चाहत में अपने तथा अपने परिजनों के सुख तथा शांति से दूर होता जा रहा है। हर किसी पालक को लगता है कि उसका बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर आईएएस या आईपीएस बने ताकि उसका जीवन आसान बने, लेकिन इस चक्कर में वास्तविक सुख शांति की तिलांजलि देकर बौद्धिक तथा भौतिक सुखों को भुला बैठते हैं, जिससे हर इंसान में क्रोध लोभ मोह मत्सर तथा अहंकार की भावनाएं पनप रही है जो परिवार तथा समाज के लिए घातक सिद्ध होते जा रही है। ऐसे विचार प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान सावनेर में आयोजित शिवरात्रि के पावन अवसर पर एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया ने अपने संबोधन में व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बौद्धिक विकास के साथ ही मानसिक विकास की आवश्यकता है। स्कूल कॉलेज हमें शिक्षा दे सकते हैं जिससे हमारा बौद्धिक विकास होगा, लेकिन मानसिक विकास हेतु हमें सर्वप्रथम मानसिक शांति की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारे संस्कार तथा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाएं अवृत प्रदान करती है। जब भी हम अकेला महसूस करें, खुद को अस्वस्थ तथा परेशान लगे, ऐसे में शांति के अनुभव प्राप्ति हेतु मेडिटेशन ही सर्वोत्तम उपाय है। आज का युग और युवा पैसे की तरफ भाग रहा है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं। करोड़ों रुपयों भी आपके मानसिक सुख शांति का आभास नहीं कराएंगे। अगर हमें अपना समग्र विकास करना है तो हमें मेडिटेशन का सहारा लेना ही होगा। ऐसे प्रखर विचार अपने संबोधन में एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया ने इस अवसर पर रखे। इसमें मैं निश्चित मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए और एक ही दिन का नहीं वर्ष का, अगर निश्चित शांति प्राप्त होना है तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण अदा कर रहे हैं। बहुत सेवा है, इनकी सेवाएं निश्चित हमारे शहर के लोगों के लिए, हमारे ग्रामीण लोगों के लिए, सभी के लिए निश्चित सुनिश्चित है। बड़े महत्वपूर्ण सेवाएं हैं दे रहे हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि ऐसी कार्यक्रम द्वारा आप नियोजन करते हैं और एक मैसेज समाज को देते हैं शांति के लिए और सब और सेवाएं देते हैं ये सब चीज़ों के लिए। मैं आपका सावनी वासियों की तरफ से जरा हमारी ओर से आप लोगों को का आभारी हूँ और ऐसे ही जो हैं आप। इस अवसर पर हेमांड पंथी शिव मंदिर के किशोर गुरहीकर, हनुमान मंदिर गांधी पुतला के एडवोकेट अरविंद्र लोधी, ताम्रेश्वर नागद्वार स्वामी मंदिर के तुषार उमाटे, जय माता दी मंदिर के दीपक कटारे, गजानन महाराज मंदिर के डॉक्टर विजय धोटे सहित शहर के सभी मंदिरों के विश्वस्त उपस्थित थे। आयोजन का प्रस्ताविक ब्रह्म कुमारी सुनीति दीदी कर ब्रह्म कुमारी केंद्र के विविध आयोजक की जानकारी दी। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु ब्रह्म कुमारी संस्थान सावनेर की ब्रह्म कुमारी अनीता दीदी, शिमला संघ, ब्रह्म कुमार अनिल ढवड़े आदि ने परिश्रम लिया। एनबीसी न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।